देखो स्क्वाट्स मैं कराऊंगा आपको पीछे से पकड़ के, जिस तरीके से कराता था ना पहले वो। और फिर भी पापा को शर्म नहीं आती है। जी मैं उठूंगा, मैं कुछ नहीं बता रही यार तुम्हें, सुन दिमाग खराब कर रखा हुआ है पता नहीं किन किन के लिए, और किसी को करा देना, मैं एग्री नहीं हूँ इस चीज में बिल्कुल। बेबी तू तो एग्री नहीं है, पैसे तो एग्री है ना। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सब यार, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो गाइस आपका भाई एक और जबरदस्त प्रैंक लेके आया है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने ना सेम जिम ज्वाइन किया कल मैं गया था, तो यार इस पे एक प्रैंक तो बनता है, तो वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला है। और जो भी चैनल पर नया प्लीज ऐसे उनको सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और अपने भाई पर ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी, हाँ रोहित तनवर बात कर रहा हूँ। अबे साले, हाँ हाँ अरे मैम कैसे याद आ गई आज, कैसे कैसे याद आ गई। हाँ नहीं नहीं मैं तो यार अभी फिलहाल तो घर पे ही हूँ। अच्छा उसी में, अच्छा तो फिर कब से कब से। अच्छा कल से, तो आप मुझे कल ही फोन कर देते, मैं तभी आ जाता यार। ऐसी क्या बात है, मतलब डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। हाँ नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ। सुबह छः बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठ जाऊँगा। नहीं नहीं बच्चे परेशान क्या, मतलब वाइफ वाइफ परेशान नहीं करती, सो जाती है आराम से। झूठ बोल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं कल मिलता हूँ आपसे भी 6 बजे। डेली का वही रूटीन रखेंगे ना। देखो स्क्वाट्स मैं कराऊंगा आपको पीछे से पकड़ के, जिस तरीके से कराता था ना पहले वो जो बात, मतलब पकड़ के जो मैं कराता था आपको, तो जो 5 रैप मार देते ना आप स्क्वाट्स के, वो 8 लग जाते थे, मुझे पता है आपके। हाँ हिप्स हो गए पहले जैसे ही, कोई नहीं कम कर देंगे। ठीक है कल मिलता हूँ। ओके ओके ठीक है। क्या था ये, क्या था, कौन था। अरे वो मैडम थी मेरी जो, तो तुम मैडम से इस तरीके से बात कर रहे थे यार। अरे वो मतलब बहुत क्लोज है हमारे यार। कितना क्लोज है, बिल्कुल ऐसे उंगलियों में घुसी पड़ी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। यार तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वर्कआउट करवाओगे। मैं वर्कआउट नहीं करवाता, और इस तरीके से बात कर रहे थे मेरे सामने, तुम शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। ओह नो, क्या नहीं आती शर्म। अच्छा शर्म नहीं यार बेबी, शर्म क्या, मैं कोई नंगा थोड़ी नहा रहा हूँ वहाँ पे जिम में, मेरे को भी शर्म आएगी। अबे मैं तू समझ रही बात, मुझे खुशी पता है किस बात। मैं सब समझती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। तू सब समझती है सब चीजें, मैं मेरी बात सुन ले पहले। वो मतलब जो मैडम थी ना मेरी, वो कम से कम, तो ये क्या होता है एक्स गर्लफ्रेंड मैडम मेरी। मैं सुन, कब बहुत पहले की बात है जब एक्सरसाइज कराता था, 300 साल हो गए उस चीज को भी। 300 साल क्या बोला तूने, 3 साल हो गए उस चीज को भी। ठीक है अब यार वो उस टाइम मैंने मतलब उसको फिगर तो ऐसे बढ़ा दिया था सेक्सी वाला। अब उसके बाद वो पता नहीं बाहर कैरी में मैकडी पे और पता नहीं क्या क्या ठूस ठूस के खाका क्या, वो फिर मोटी होगी। अब ये लगा ले कि अब वो ये मेरे से बोल रही कि तुम जिस जिम में मैं जाता हूँ ना जॉब करने ट्रेनिंग कराने, वो उसी जिम में आ रही है कल से, मतलब ऑलमोस्ट। उसको और कोई जिम नहीं मिली, वो ये कह रही थी आप आओगे ना तो आप वर्कआउट करा देते हो अच्छे से पकड़ के। पकड़ के मतलब बार को पकड़ के ऊपर नीचे अच्छे से वर्कआउट करा देते हो और पैसे भी कम लेते हो। उस वो क्या करती थी पता है, बहुत सी बार ऐसे होता था कि जैसे मैं कि मैम मेरे पास, वो कहती थी कि आप मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बोलता था कोई बात नहीं हम साथ में कहीं बाहर हैंग आउट कर लेंगे। हैंग आउट मतलब हाथ में पकड़ के आउट कर लेते थे हम, हैंग हाथ पकड़ लिया और आउट किया। तो कुछ भी जैसे उसने मेरे को खिला दिया, डोमिनोज का पिज्जा खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया। कहेंगे तुम यहाँ पे लड़कियों के साथ डोमिनोज का पिज्जा खाते फिर रहे हो। कभी कभी फिर मैं उसके साथ ना रूम पे भी चला जाता था। उसके रूम पे नहीं जाता था, मैं अपने दोस्त के रूम पे चला जाता था। वो तो चली जाती थी अपने घर, मैं अपने दोस्त के रूम पे चला जाता था।
तो फिर मुझे ना तुम पे कुछ ना कुछ ऐसा है, तुम कोई वर्कआउट नहीं करवाओगे किसी को भी, और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने क्या क्या चीजें बोल रहे हो तुम यार। तू ही बता मुझे, सुन अब मैं कल जब सुबह तो 6 बजे मैं उठूंगा। मैं कुछ नहीं बता रही यार तुम्हें, दिमाग खराब हुआ है पता नहीं किन किन के पीछे पड़े रहते हैं, और पता नहीं कौन कौन एक्स थी तुम्हारी, कितनी एक्स थी मुझे समझ में ही नहीं आता। मेरी एक्स, तुम्हारी मैडम भी एक्स थी? नहीं, एक्स वाई जेड थे। अबे साले तीन क्या? थी एक्स, मतलब कोई नहीं थी, मोटू मजाक कर रहा हूँ, सुन मजाक मतलब ये मजाक है, बाकी वो रियल है जो कह रहा हूँ ना मैं तेरे से कल। अब तू मुझे ये बता, सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, उससे पहले तुझे उठना पड़ेगा, तो मेरी वाइफ है ना, तो तुझे तो यार देख। मैं क्यों उठूंगी? तो मेरे लिए वो नहीं बना के देगी ब्राउन राइस और ओट्स? मैं इतना सब कुछ क्यों बनाऊं? तुम तो शेक पी के निकल जाते हो, आज ब्राउन राइस और ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बना के दे रही, और मेरे बस की नहीं है इतनी सुबह सुबह उठना। यार उठ जाएगा, मैं नहीं उठ सकती यार इतनी जल्दी। अब फिर उसको क्या बोलूंगा यार मैं, उससे मैंने कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके चक्कर में मुझे, मतलब आप ट्रबल में डालना चाह रहे हो ताकि मैं सुबह जल्दी उठूं, परेशान हूं। और कोई जरूरी थोड़ी ना, इसको वर्कआउट कराना बहुत है वर्कआउट कराने के लिए, और किसी को करा देना, मैं एग्री नहीं हूँ इस चीज में बिल्कुल। बेबी तू तो एग्री नहीं है, पैसे तो एग्री है ना। कोई जरूरत नहीं है ऐसे पैसे कमाने के, मेरे को नहीं चाहिए ये पैसे, मैं खर्चा कम कर लूंगी अपना। हाँ मतलब मेरे पे खर्चा करते हो ना तुम पैसों से, तो भैया ठीक है मैं खर्चा कम कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं। हाँ तो फिर मैं उसके घर जाके करा दूँ क्या? मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आती है? कान पे हाथ मत लगाओ, कान में यहाँ पे पर्दा होता है अंदर, इस तरफ भी होता है। तो कान के अंदर मैंने क्या तुम्हारे कुछ घुसा दिया है? हाँ घुसा है, ये सब छोड़ो तू कहाँ से ले जाती, कहाँ बात को कहाँ घुसा रही? तुम्हारा दिमाग गलत चीजों में जा रहा है, तो मेरा तो कोई वो नहीं है ना। सुन मैं सब सुन रही हूँ यार, मेरी सुनो तुम, तुम कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करवाओगे उसको, तो बिल्कुल नहीं करवाओगे। जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना उससे, जिस तरीके से तुमने बात करी, मैं नहीं चाहती, मैं एग्री नहीं हूँ कि तुम वर्कआउट करवाओ उसको। अच्छा। तुम उसके पास भी जाओ। अरे वो मैम है, पर वो मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें इस लाइन से खत्म कर दूँ, बिल्कुल जाने ही ना तू कहीं। वो तेरी बस कहाँ चल रही है ये बता, वही तो दिक्कत है ना, तू ऑटो में तो खुद जाती, बस तो चलती है नहीं तेरी। बकवास करा लो बस तुमसे यार, खराब दिमाग, खराब दिमाग तो तुमने मेरा खराब कर रखा है बोल बोल के कुछ कुछ यार, हर वक्त दिमाग खराब करते रहते हो यार मेरा। इतना अच्छा मूड था, क्या मूड था तेरा? क्या मूड था? मोटी हट जाओ, मूड ना खराब कर, ठीक है जाओ चलो निकलो यहाँ से। तो सुबह जाऊंगा ना, तुमसे बोला था मेरे यहाँ पे हल्का हल्का फैट आ रहा है, टोन अप करनी है बॉडी, उसके लिए तो तुम्हें मतलब कितना टाइम, 1 महीना हो गया बोलते बोलते, उसको तो तुम इतने हल्के में ले लेते हो है, यहाँ पे फैट आ रखा है तुम्हें पता है, अब तो है? मेरे आर्म्स में हल्का हल्का फैट आना स्टार्ट हुआ है। 1-1 किलो के तो डंबल लेके आइए, तो हल्के ही तो लेऊंगा उनको, क्या भारी लेऊंगा, 5-5 किलो के लेऊंगा, हल्के तो 1-1 किलो के हल्के ही होते ना डंबल। मतलब तुम लड़कियों को इतने तरीके, लड़कियों को नहीं, लड़कियों नहीं, लड़की ओनली प्लस मैम, लड़की मैम, मैम लड़की ये बोल सकती, लड़कियों क्या मतलब होता है, लड़कियों यो का मतलब क्या, यो क्योंकि और भी तो है होंगी ना, और भी तो होंगी, यो यो हनी सिंह है क्या, यो यो नहीं है। तुम बकवास मत करो, मैं तुमसे ये बोल रही हूँ, तुम्हें मैं बोलती हूँ कोई चीज कराने के लिए, जब तो तुम्हारे मतलब एकदम से तुम्हें दुनिया भर के एक्सक्यूजेस होते हैं, कुछ जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जब लड़कियों की बारी आती है तो तुम मतलब ऐसे एक्साइटेड हो जाते हो जैसे अभी भाग जाओगे उनको वर्कआउट कराने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मैं भावनाओं में बह गया था, ठीक है, मुझे ये नहीं पता था कि भावना ऑलरेडी बह चुकी है जब बाढ़ आई थी अभी 2 महीने पहले। क्या बकवास करते हो तुम यार, समझ में इससे समझ से बाहर है मेरे तो सही में। अच्छा क्यों बाहर है समझ से, तेरे अंदर समझ होएगी तो तू बाहर भी आएगी यार ना? तुम कितना दिमाग खराब करते हो, तुम्हें मैं 100 बातों की एक बात, मेरे से तुमसे बहस होती नहीं है, तुम वर्कआउट वगैरह नहीं कराओगे किसी को, तो मैं खुद भी नहीं करूंगा क्या पैसे यार, एक बता खुद करो ना, तो मैं उस जिम में जाता हूँ तो वर्कआउट तो करूंगा, तो आ रही तो तुझे क्या दिक्कत है उस चीज में यार? जिस तरीके से तुमने फोन पे बात करी मुझे दिक्कत है, ठीक है, तो मैं सपोर्ट नहीं दूंगा उसको, ठीक है। मुझे नहीं पता, एक्स गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी? वो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो तुमने बोला अभी, वो एक्स थी सिर्फ, गर्लफ्रेंड तो कोई और थी।
एक्स क्या होता है, एक्स का क्या मतलब समझूं मैं? एक्स का मतलब इधर से उधर जाती थी वो, पहले उधर से इधर आती थी, समझ गई? मतलब यहाँ से किसी और लड़की के पास जाती थी और मेरे पास से किसी और लड़की के पास जाती, लड़की किसी और के पास मेरे पास आती थी। सर फट गए तुम्हारी बातें सुन सुन के, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते, समझ से बाहर है मेरे। क्या ठीक है, तो कोई नहीं, तो तू भी चल लियो मेरे साथ, ठीक है? तू भी चल लियो, तू और मैं दोनों सपोर्ट कराएंगे, तू आगे से पकड़िए, मैं पीछे से कर दूंगा। तुम बदतमीज हो क्या? हाँ तमीज नहीं है बिल्कुल भी, तमीज है, तमीज नहीं है बस। बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो? चाहिए आपको बेटा, पापा से बात मत करो ना, ठीक है ना? पापा अच्छे नहीं है, ओके? पापा अच्छे क्या नहीं है, है। बोलो है ना? पापा आपके लिए क्या क्या लाते बताओ? फिर भी पापा को शर्म नहीं आती है बच्चे के सामने, मम्मी को, मम्मी कह रहा हूँ, बच्चे के सामने पापा को मारते नहीं, समझ गई? पैर दबाते हैं। हटा दो पैर। मारती है तो मेरी।